हरियाणा एक्सप्रेस का सफर लगातार आगे बढ़ रहा है और ये सफर अब पहुंचा है पानीपत। सरकार बनाने की पूरी तैयारी कर ली है, वाकई इतना आसान है? 75 का आंकड़ा तो बहुत दिन पहले पार कर चुके हैं। नई पार्टी है जेजेपी, मुकाबला कितना मुश्किल रहने वाला है? बीजेपी कहती है कि हमने कॉलोनियां वैध कर दी, वैध कर दी तो कॉलोनी वासियों का रजिस्ट्री क्यों नहीं हो रही? एक प्लॉट पे 1.5 करोड़ रुपए पड़े, 2 करोड़ रुपए का घोटाला है एक प्लॉट में। अगर 6 प्लॉट हो गए तो कितने हो गए दोस्तों? 6 प्लॉट की बात कर रहे हैं। ये देखो, वो लोग जिनके मुख्यमंत्री आज जेल की सजा काट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है 75 पार का लक्ष्य हमने रखा है, लेकिन हम तो 85 पार कर लेंगे। क्या लगता है 85 पार होगा? आज का व्यापारी इस सरकार से, बीजेपी से हताश है। देश में एक परेशानी है, हनक नहीं लगने दे रही भारतीय जनता पार्टी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से झूठ बोल करके, तथ्य छिपा करके काम करती है। चुनाव हरियाणा का में देखिए पानीपत की लड़ाई आज रात 8 बजे, एडिटर इन चीफ प्रतिमा दत्ता के साथ।